आने वाला साथी ही साथ छोड़ के चला गया। माननीय नीतीश जी वही अगुवा थे, तो वो इनके गठबंधन को छोड़ के वो चले गए। जयंत चौधरी जी छोड़ के चले गए, ममता जी छोड़ के चली गई। उधर पंजाब वाले मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम सब गठबंधन नहीं करेंगे। बचा क्या है? कांग्रेस के पास यहां है क्या? और समाजवादी पार्टी का इतिहास है, आप देखिए 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे। और माननीय मुलायम सिंह जी के संघर्षों और माननीय शिवपाल जी के संघर्षों के बल पे अखिलेश जी सीएम बने। और 5 साल अखिलेश जी ने सीएम रह के प्रदेश में इतना बढ़िया काम किया, वो एमपी बन गए। फिर एमपी बन के इतना बढ़िया काम किया उन्होंने कि वो एमएलए बन गए। अब बताइए कहाँ बनना चाहते हैं, किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो वो सब चुनाव हार रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता जो देख रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए। दोनों जो लोग घूम रहे हैं, अखिलेश जी और राहुल जी, इन दोनों की सरकारें रही हैं। सपा की भी सरकार में दंगे कर्फ्यू लगे, दंगे हुए कर्फ्यू लगे। कांग्रेस की भी सरकार में दंगे हुए कर्फ्यू लगे। तो इन दोनों के सरकार को लोग झेल चुके हैं और योगी की जी की सरकार को देख रहे हैं। यहाँ कानून का राज है और केंद्र में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं प्रदेश और देश में प्रदेश की योजना और देश की योजना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बाकायदे धरातल पर जा रही है। मजे की बात है कि प्रदेश में और देश में चुनाव जनता लड़ रही है। जनता कह रही है कि नहीं, हम मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसा जनता के बीच में हम रह रहे हैं, उनका मानना है। एक बड़ा सवाल है, अखिलेश यादव मुख्तार दिया गया था, उसके बाद भी चीजें अस्त व्यस्त चली। उन्होंने कई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशान साधा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत की गई है कि उनके द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है। उसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा बीजेपी द्वारा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उनके परिवार के लोगों ने डिमांड किया कि सरकार से कि मजिस्ट्रेटियल जांच, तुरंत जांच का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया और जांच भी शुरू हो गई। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, हम तो मेडिकल रिपोर्ट ना मानेंगे। जो भी डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट आएगी, जो मेडिकल जो पीएम करने वाली टीम है जो रिपोर्ट वो देगी, वही ना माना जाएगा। तो जो प्रथम दृष्टया में जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पे तो पॉइजन नहीं आया। तो परिवार के लोगों ने कहा कि मजिस्ट्रेटियल जांच, वो आदेश दे दिए गए। परिवार के लोग और दूसरी जांच चाहते हो तो देंगे, अगर उनकी डिमांड होगी तो सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, हर तरह से साथ है उसे मदद करने के लिए। और जहां तक सवाल अखिलेश जी का है, वोट की राजनीति को लेकर के अखिलेश जी गए हैं। इसके पहले कभी, अगर मैं मानता कि वो जब मुख्तार अंसारी जी जब जेल में थे तो कभी उन मिलने गए? बहुत लंबे समय से जेल में थे, कभी गए मिलने के लिए? अगर कोई गया तो ओम प्रकाश राजभर गया था, याद होगा आपको कि मैं गया था मिलने। और आज वो हमदर्दी जताने के लिए, वोट लेने के लिए गए, उन्हीं की पार्टी के विधायक मंत्री आजम खान जी सीतापुर जेल में, कभी जेल में गए मिलने? वोट का टाइम आया तो गए उनसे वोट की गुहार की मुसलमानों को समझाएं कि देखिए हम आजम खान जी के लिए गए हैं, उनसे बात करने गए। आरोप आप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पे, वही आरोप एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने भी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि जब चुनाव का समय आया, जब ओवैसी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गए, उसके बाद ही अखिलेश यादव भी मिलने गए। हम पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी लंबे समय तक मुख्तार अंसारी जेल में थे, लंबे समय तक, कभी वो गए मिलने? चुनाव नहीं होता तो क्या आजम खान से मिलने जाते? नहीं जाते। ऐसी परिस्थिति में ये वोट की राजनीति को लेकर के ही ये गए हैं, सिर्फ वोट। वोट नहीं होता तो वहां जाते भी नहीं। प्रसाद मौर्य के ऊपर उन्होंने ये बात कही कि वो भी कई मुकदमे हैं उनके ऊपर, 302 के भी अपराधी हैं और 302 के भी आरोपी हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इससे पहले वो कोई भी चुनाव नहीं जीत सके, उसके बाद भी बेशर्मों की तरह पद लेके बैठे। देखिए, चुनाव में चुनावी तीर छोड़े जाते हैं वोट लेने के लिए, वो एक उसी तरह का खेल है। चुनाव के समय
कौन नेता, हर नेता ये सोचता कि हम क्या बोल दें कि हमको वोट मिल जाए, उसका रिएक्शन हो गया। पूरा प्रदेश का कुशवाहा समाज नाराज है, पिछड़ा नाराज हो गया। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एक डिप्टी सीएम, गांधी जी तो कभी चुनाव नहीं लड़े, लड़े थे, गांधी जी हैं, आज पूजे जाते हैं। तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं प्रदेश के, और उनके द्वारा वो काम किया जा रहा है जो गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया, महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शुरू किया, जो माननीय कांशीराम जी ने उस आंदोलन को आगे बढ़ा के छोड़ दिया। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम जैसे लोग कर रहे हैं।